जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों हो मेरे दोस्त। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु और अजय देवगन सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड के 3 दिनों के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। और आपको बताएंगे फिल्म का 3 दिनों का एडवांस बुकिंग कलेक्शन कितना रहा, कौन सी फिल्म ने मारी एडवांस बॉक्स ऑफिस पर बाजी, और कौन बना बॉक्स ऑफिस इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, और कौन सी फिल्म होगी हिट और कौन सी हो जाएगी फ्लॉप। तो दोस्तों, यह सब जानने से पहले बात कर लेते हैं अजय देवगन सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड के बारे में। आपको बता दें, थैंक गॉड फिल्म को लेकर काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि फिल्म कॉमेडी से भरपूर है और काफी जबरदस्त कॉमेडी फिल्म होने की वजह से माना जा रहा है थैंक गॉड फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी जबरदस्त रहेगा, क्योंकि फिल्म को सिर्फ 70 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया। वहीं फिल्म की एडवांस बुकिंग भी काफी अच्छी रही। जी, आपको बता दें, फिल्म ने अपने पहले दिन एडवांस बुकिंग से लगभग 25 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई की थी, लेकिन फिल्म का दूसरे और तीसरे दिन के एडवांस बुकिंग कलेक्शन में काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। वो फिल्म ने अपने दूसरे दिन एडवांस बुकिंग में काफी अच्छी ग्रोथ पाते हुए 55 लाख रुपए कमाए, लेकिन फिल्म के तीसरे दिन फिल्म का एडवांस बुकिंग कलेक्शन और भी ज्यादा बढ़ा और रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म अपने तीसरे दिन एडवांस बुकिंग से लगभग 81 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई करेगी, जिससे अजय देवगन सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड का 3 दिनों का टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन 1,61,00,000 रुपए से ज्यादा रहेगा। वहीं अगर इस फिल्म से अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु का कंपेयर करें तो राम सेतु फिल्म का बजट जहां 75 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वहीं फिल्म में आपको अक्षय कुमार के साथ और भी कई मल्टीस्टार कास्ट नजर आएंगे। लेकिन फिल्म की एडवांस बुकिंग कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का पहले दिन का एडवांस बुकिंग कलेक्शन ठीक ठाक रहा। वो फिल्म ने अपने पहले दिन 35 लाख रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग की, लेकिन इस फिल्म के दूसरे और तीसरे दिन के कलेक्शन में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। वो फिल्म ने अपने दूसरे दिन एडवांस बुकिंग में काफी अच्छी ग्रोथ पाते हुए 60 लाख रुपए का जबरदस्त कलेक्शन किया, लेकिन फिल्म का तीसरे दिन का यानी आज का कलेक्शन और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, जिस वजह से हो सकता है अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु अपने तीसरे दिन यानी आज एडवांस बुकिंग से लगभग 93 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई करे, जिससे अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु का 3 दिनों का टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन 1,88,00,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, एडवांस बुकिंग कलेक्शन के मामले में तो अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु ही मारेगी बॉक्स ऑफिस पर बाजी, जिस वजह से अक्षय कुमार बनेंगे एडवांस बुकिंग के सबसे बड़े सुपरस्टार और राम सेतु बनेगी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। लेकिन क्या आपको अभी भी उम्मीद है अजय देवगन सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड अपने आने वाले दिनों में एडवांस बुकिंग में काफी अच्छी जंप पाकर अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु के एडवांस बुकिंग कलेक्शन को पीछे छोड़ पाएगी या नहीं, और आप इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म को कहोगे बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर और सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म, अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु को या फिर अजय देवगन सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड को? आपकी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। नजर आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और जाते जाते आपके और हमारे चैनल कलेक्शन टेक को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको अक्षय कुमार और अजय देवगन की दोनों फिल्मों की अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले।